गुड मॉर्निंग दोस्तों, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आई थी गार्डन में साफ़ सफाई करने के लिए। ये देखिए साफ़ सफाई हो गई है। हवा बहुत तेज़ चलती है, इस वजह से सूखे पत्ते मिट्टी सब बहुत ज़्यादा हो जाता है गार्डन में। अभी मैंने सफाई करी है, शाम तक फिर वैसे ही हो जाएगा, शाम को फिर सफाई करूँगी आके। देखिए अभी ज़्यादा ज़्यादा 7:15 हुए होंगे, और वॉक करके मैं बाहर से आई थी तो सीधी मैं ऊपर ही आ गई थी छत पे, तो साफ़ सफाई मैंने कर दी है दोस्तों। ये देखिए जो भी मेरे पास मिट्टी वगैरह थोड़ी सी मिट्टी बची है, गमले वगैरह खाली होते हैं, यहीं थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ मैं एक कोने में। और देखिए अभी एक दो चार बैग और बनाने हैं। इस तरह से मेरा गार्डन लग रहा है दोस्तों। ये पालक है, टमाटर, टमाटर के पेड़ में मिलीबग बहुत ज़्यादा लग गया था दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए कितना लगा हुआ है, लेकिन ये ज़िंदा नहीं है, मर चुका है। ये वैसे ही चिपके हुए हैं ये, क्योंकि जो ये देखिए ऐसे ही अपने आप ही छूट रहे हैं, छूट के गिर रहे हैं। मैं इसमें पानी का स्प्रे करूँगी तो ये सब छूट जाएगा। ये देखिए सब मरा हुआ है, ये ज़िंदा कोई भी नहीं है इसमें। मैंने इसके लिए क्या किया था बताती हूँ। काफ़ी महीनों से चावल का पानी बना के रखा हुआ था मैंने, 2 लीटर की बोतल में 300 ग्राम के आसपास चावल लिया था और गले तक पानी भर लिया था उसमें। थोड़ा सा गुड़ डाला था 100 ग्राम के आसपास, और मिक्स करके सब ऐसे रख दिया था। और वो अब बिल्कुल सड़ चुका है एकदम से, और उसी का स्प्रे मैं करती हूँ 15 दिन में एक बार। अगर ज़्यादा होता है तो मैं 8-10 दिन में भी कर देती हूँ। तो उसी की वजह से ये देखिए सब एकदम चिपका चिपका है उसमें, पेड़ों में लगा हुआ, लेकिन एकदम मरा हुआ और चिपका चिपका है। अभी हाथ लगा रही हूँ तो पाउडर की तरह झड़ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी है तो आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है ये। देखिए ये हमारी घिया की बेल दोस्तों, ये देखिए इसकी फर्स्ट जी कटिंग मैंने कर दी थी, और अब नई ब्रांच निकल रही है। ये देखिए यहाँ से, उंगली नहीं दिखानी चाहिए पेड़ों को, ये देखिए यहाँ से ये ब्रांच निकली है सेकंड। और जो इसके फूल आ रहे थे वो सूख जा रहे थे, ये देखिए इस तरह से सूख रहे थे। और इसमें मैंने क्या किया है, अभी मॉर्निंग में तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी में शहद मिला के और उसका स्प्रे किया है, और शाम के टाइम मैंने क्या किया था, इसके लिए फर्टिलाइज़र बना के रखा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था, मैं दिखा नहीं पाई थी दोस्तों। और जो सरसों खली होती है उसको मैंने 2 दिन के लिए भिगा दिया था, 20 ग्राम के आसपास भिगाई थी, और एक 1/2 लीटर के आसपास पानी था उसमें मिला के, और मैंने इसमें दे दिया था। और एक मग्गई इसमें मट्ठा डाला था पानी मिला के, जो हम घर में अपने मक्खन निकालते हैं दोस्तों, भैंस का दूध आता है हमारे यहाँ तो मलाई काफ़ी हो जाती है, तो मैं उसी से घी बनाती हूँ। और उसका जो मट्ठा निकला था उसको भी 2 दिन के लिए मैंने रख दिया था दोस्तों। और इन दोनों का मिक्सर बना के मैंने इसी में दिया था। अब देखते हैं कैसे कैसे इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ तो वैसे अच्छी चल रही है, लेकिन फ्रूटिंग के लिए मैंने सुना था कि अच्छा होता है, तो देखते हैं कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं हमें। पिछली बार तो इतनी बड़ी घिया की बेल मेरी हो गई थी, और जिस दिन मैंने वीडियो बनाई अगले दिन ही वो सूखने लगी थी, पता नहीं क्या हो गया था। और राख वगैरह का भी छिड़काव मैं करती रहती हूँ पेड़ों पे, वो भी अच्छा होता है, बहुत अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है जब राख छिड़कते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, और देखते हैं रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं इनके। अपनी तरफ से तो हम बहुत कोशिश करते हैं, और सभी प्लांट्स आप देख ही सकते हैं कितने हेल्दी है मेरे, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए पूरे गार्डन में घुमा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए अभी हवा बहुत अच्छी चल रही है,
मीठी मीठी धूप निकल रही है, काफ़ी तेज़ धूप अभी नहीं हुई है, 8 बजे तक हो जाएगी। देखिए दोस्तों मेरा गार्डन आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।